नहीं नहीं वो अभी भी बेहोश है, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। गाड़ी साइड में लगाओ वनराज, वनराज। आई सेड पुल द कार, डैम इट। थैंक्स। बोलो वनराज, मुझे यहाँ इतनी दूर क्या बात करने के लिए लाए हो? डर लग रहा है बहुत ज्यादा, पर तुमसे नहीं, खुद से, कि अगर मैं तुमसे उलझ गया ना तो। वनराज शाह से उलझना कोई शायरी नहीं है, जान से खेलना पड़ सकता है। देखेंगे। देजा वो नहीं लग रहा, हम पहले भी ऐसी एक जगह पे आके बात कर चुके हैं। हाँ, जब तुमने वादा किया था कि तुम मेरे बच्चों के बाप बनने की कोशिश नहीं करोगे, और हर वादे की तरह मैंने उस वादे को भी बखूबी निभाया। अब तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो तो वनराज जल्दी करो, आई डोंट हैव टाइम, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है। फैमिली? फैमिली की तो सारी लड़ाई है अनुज। मैंने दुनिया में, लाइफ में और बिजनेस में बहुत कुछ चुराने वाले लोग देखे हैं, लेकिन परिवार को, फैमिली को चुराने वाला पहला इंसान देखा है। आज मेरी पूरी फैमिली मेरे नहीं, तुम्हारे पास है। रक्षाबंधन के त्योहार पे मेरे अपने मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ थे। मैं अपने ही घर में अकेला था। I don't know, man. I seriously don't know. I just know that तुम्हें रिश्ते बनाने नहीं आते, निभाने नहीं आते, और संभालने तो बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते तो ना सही अनुज कपड़िया, मैं अपने रिश्ते ना संभालूं, मैं अपने घर वालों को ना संभालूं, ये मेरे और मेरे घर वालों के बीच की बात है। तुम्हें बीच में आने का कोई हक नहीं है, तुम मेरे परिवार से दूर रहो। वरना जितना ड्रामा तुम्हारी फैमिली करते हैं ना, इस दुनिया का कोई भी सेंसिबल इंसान जिसको सुकून पसंद है वो तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर ही रहना चाहता है। दूर रहना चाहता है तो दूर रहे ना, क्यों नहीं रहते हो दूर? ये हर तीज त्योहार पे, हर वीकेंड पे मिलना, ये सब अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है अनुज। दिस हैज टू एंड। वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली वनराज। दिस डेफिनेटली नीड्स टू एंड, पर क्या करें, कई बार रिश्तों में पुल बनाने पड़ते हैं और कई बार पुल जलाने भी पड़ते हैं। दोनों परिवारों को साथ में आने से बहुत कुछ होता है, कभी तुम्हारी बेटी रोती है और कभी मेरी बेटी रोती है। और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं भी नहीं। अब कोई ज्ञान, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई भाषण नहीं चाहिए, बस दूरी चाहिए। और ये बात अब तुम अनुपमा को समझाओगे? बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि यही बात मैं भी चाहता हूँ कि दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगियों में खुद बिजी रहें। हाँ, मिले, सोशल ओकेजन पे मिले, शादी ब्याह पे मिले, होली दिवाली पे मिले, बस। तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूं अनुज, ये दोनों परिवार अब नहीं मिलेंगे। अच्छा, तुम और तुम्हारा परिवार परमानेंटली नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है। तुम्हारी शायरी की तरह तुम्हारे मजाक भी उतने ही वाहियात है, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ना शायरी समझ पाए ना मजाक। खैर, एक बात समझ लो कि जब भी दो परिवार एक ही शहर में रहते हैं ना, जिनके रिश्ते ऐसे उलझे हों, ऐसे धागों से उलझे हों, तो उन्हें एकदम से काटा नहीं जाता वनराज, वो ऐसे नहीं रह सकते। हाँ, उनका मिलना कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन वो एक दूसरे से एकदम मिलना बंद कर दें ऐसा ना हो सकता और ना होना चाहिए। होगा, एकदम बंद होगा। मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली आज के बाद तुम्हारे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। तुम हर बात को इतना एक्सट्रीम पे क्यों ले जाते हो वनराज? फैमिली में ऐसे बातें नहीं की जाती, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा जाता है, सबको साथ लेकर सबको एडजस्ट करके चला जाता है। अरे भाड़ में गए तुम और तुम्हारे प्रैक्टिकल डिसीजंस।
मैंने फैसला ले लिया है कि अब ये दोनों परिवार दूर रहेंगे और ये फैसला अब नहीं बदलेगा। क्यों? नहीं मतलब तुम अपने लिए फैसला लो, तुम बाकी सबके लिए फैसला लेने वाले होते कौन हो? मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं? वो मेरा परिवार है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, और जो फैसला मैं लूंगा वो उन्हें मानना ही पड़ेगा। वनराज, तुम खुद अपने बापूजी का फैसला नहीं मानते और तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा फैसला माने। बकवास बंद करो अनुज। शराब शराब, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। चुप तो मैं भी नहीं रहूंगा, अपना हर दर्द बताऊंगा। तुम दोनों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अनुपमा ने मेरे बापूजी छीन लिए, तुमने मेरी बेटी छीन ली, तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो गए। अच्छा, मतलब अनुपमा को धोखा तुमने मेरे आने के बाद दिया था, काव्या से शादी तुमने मेरे आने के बाद दिया, अपने बेटे समर को खुद से दूर तुमने मेरे आने के बाद दिया। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? नर्स, इंजेक्शन जल्दी रेडी करो। को क्या हो रहा है? काव्या, अभी आँख में आंसू नहीं, उम्मीद होनी चाहिए। पता है, मेरी माँ कहती है कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होता है, तो हम बुरा क्यों सोचे? शुभ सोचो, शुभ बोलो तो शुभ ही होगा। हमें बस इतना ही सोचना है, इतना ही कहना है कि सब 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 अच्छा होगा, बस अच्छा ही होगा। कहां से लाती हो तुम इतनी हिम्मत अनुपमा, कहां से? कुछ लोगों को जिंदगी कमजोर पड़ने की इजाजत ही नहीं देती, तो और अगर मैं कमजोर पड़ गई तो मेरे पति को, मेरी छुटकी को कौन देखेगा? कौन देखेगा? मेरे परिवार को कौन संभालेगा? देखो, हमारे हाथों में कान्हा जी ने प्रेम की, धन की, सुख की, हर चीज की लकीर दी है, बस विश्वास की लकीर नहीं दी, वो हमें खुद बनानी पड़ती है। तो विश्वास रखो, तुम्हारे और मेरे सिंदूर पे आज तक नहीं आएगी। ना मेरे पति को कुछ होगा और ना ही तुम्हारे। मिसेस कपाड़िया, डॉक्टर साहब। अनुज ठीक है? हमें अनुज कपाड़िया की ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। उनके सर में ब्लड क्लॉट हो गए हैं, जिसे निकालना बहुत ही जरूरी है। साहब, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्जरी तो रिस्की होगी ना? जी हाँ, पर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर सर्जरी करके क्लॉट नहीं निकालेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन खतरा तो इस सर्जरी में भी है। खतरा दोनों तरफ है, लेकिन सर्जरी में थोड़ा ही सही, ठीक होने के चांसेस तो हैं। दो घंटे आप लोगों के पास हैं, डिसाइड करके बता दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, नहीं तो सर्जरी का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। कर दीजिए। कर दीजिए। मेरे पति की
सर्जरी कर, दो घंटे मत रुकिए, उनकी सर्जरी कर दीजिए, उनकी जान बचाने की कोशिश कीजिए, उन्हें बचा लीजिए, कर दीजिए, हाँ आप कर दीजिए सर्जरी। ओके। तू मेरा दिल मेरी जान ओ अनुपमा, तू है जहां दिल वहां। बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़ा दर्द मेरे अनुज को नहीं हरा पाए तो फिर ये ऑपरेशन क्या चीज है? अब कीजिए ऑपरेशन, मेरे अनुज को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अनुज ठीक हो जाएंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब कीजिए ऑपरेशन। मिसेस कपाड़िया, प्लीज सांस लेते रहिएगा, मुझे सांस लेते रहिएगा। ये ऑपरेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज वाइटल पे कांस्टेंट ध्यान रखना। ओके जी सर। दीदी कहां पर है? नो आइडिया। नो आइडिया क्या होता है? इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर और बड़का यहाँ पर नहीं है। शाह फैमिली को बस एक मौका चाहिए उंगली उठाने का। वो लोग क्या उंगली उठाएंगे चीज? ये तो क्लियर है ना कि जो कुछ भी अनुज के साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मनराज अंकल का याद है। तेरे में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है या नहीं है? मतलब वनराज ने पहले अनुज को धक्का दिया और फिर गिल्ट में आ गया और खुद ही खाई में कूद पड़ा। क्या लॉजिक है यार? पर चीज मैं, आप मेरी बात, जस्ट शट अप। बरखा का कुछ पता पता ही नहीं है। आई स्वेयर अगर बरखा इसमें इन्वॉल्व हुई ना तो मैं उसे। वनराज शाह को होश आ गया। ठाकुर जी ने कृपा छे, आप लोग उनसे मिल सकते हैं लेकिन एक एक करके। अलग
जाके अपने पापा से मिले, जा मैं ठीक हूं। इट्स ओके okay. आप हॉस्पिटल में हैं, सब ठीक है। काम डाउन। आपको थोड़ा ड्राउजी लगेगा लेकिन क्या करें, देना जरूरी है। और हाँ, अच्छी खबर यह है कि आप आपकी फैमिली से मिल सकते हैं। चीज वो मैं इलेक्ट्रिक क्रिमेशन बुक करूं या फिर नॉर्मल? शट अप, वो मेरा भाई है। आई नो चीज, बट आप इस चीज को प्रैक्टिकली सोचिए। आई नो वो आपके भाई हैं, लेकिन सिचुएशन आपके सामने है, उनकी कितनी बुरी हालत है। वो आपके भाई हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ही वोंट डाई। कुछ नहीं होगा उसे। ओके, आई एम श्योर अनुज को कुछ नहीं होगा, बट बेस्ट केस सिनेरियो तो यही होगा ना कि अनुज को ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, और तब तक आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। मतलब कि तब तक हमें ही सब कुछ संभालना होगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।